Hello everyone, I am Gulapsa, your mentor, and I welcome you once again to another session whereby today we are going to talk about blue bonds. So, all of these color bonds, such as blue bonds, green bonds, yellow bonds, these are considered to be a source of sustainable finance, and countries all over the world are trying to leverage these in order to improve the sustainability and achieve the sustainable development goals. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सस्टेनेबल फाइनेंस होता क्या है सो इफ यू आर सेइंग दैट ब्लू बॉन्स विल कंट्रीब्यूट आर और आर अ मींस टू सस्टेनेबल फाइनेंस देन फॉर द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी क्लियर टू यू इज व्हाट इज सस्टेनेबल फाइनेंस सस्टेनेबल फाइनेंस का मतलब होता है कि आप ऐसे फैक्टर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो दैट रिलेट्स टू थ्री मेजर फैक्टर्स दैट इज ई एस जी एनवायरमेंट सोशल एज वेल एज गवर्नेंस फैक्टर्स इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन सर्टन प्रोजेक्ट्स और मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन द फाइनेंशियल सेक्टर दैट लीड्स टू इंक्रीज ग्रोथ इन योर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इन द लॉन्ग टर्म इंक्रीज और लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ योर प्रॉफिट कई बार ये देखा गया है इफ यू टॉक अबाउट कारपोरेट फाइनेंस कॉर्पोरेट फाइनेंस ये होता है दैट यू ओनली फोकस ऑन मैक्माइजिंग द प्रॉफिट आपकी प्रॉफिट ज्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए पर वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल फाइनेंस ये 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 कहता है दैट यू ट्राई टू इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल एसिट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स दैट इज सस्टेनेबल फ्रॉम द इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द सोशल एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू सो दैट आप सो दैट योर इन्वेस्टमेंट डिजिजन नॉट ओनली जनरेट प्रॉफिट्स फॉर यू बट ऑल्सो इट विल रिजल्ट इन बेनिफिट टू द एंटायर इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से भी हमें देखना है और हमें ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने हैं दैट रिजल्ट इन सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो, तो आई होप आपको समझ आ गया सस्टेनेबल फाइनेंस क्या होता है अब वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस ब्लू बॉन्ड्स ब्लू बॉन्ड्स की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ब्लू बॉन्ड्स के ऊपर एक कंसल्टेशन पेपर सेबी ने रिलीज किया था सेबी हैड रिलीज अ कंसल्टेशन पेपर ऑन ब्लू बॉन्ड्स और उस पर कुछ टाइम दिया था सो दैट पीपल कैन कमेंट और प्रोवाइड देयर फीडबैक नाउ रिसेंटली इन वन ऑफ द आर्टिकल एज इन मैंट न्यूज पेपर सेबी हैज एक्सटेंडेड दिस डेडलाइन और अब सेप्टेंबर के एंड तक टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैट इज द नेक्स्ट मंथ टिल नेक्स्ट मंथ यू कैन गिव योर पब्लिक कॉमेंट्स ऑन दिस ब्लू बॉन्स ठीक है नाउ दिस ब्लू बोन्स आर ऑफ वेरी मच न्यू वेरी ऑफ वेरी मच ऑफ अ न्यू अव येट इट इज इन वेरी लाइन लाइफ बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट इट सपोर्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस सस्टेनेबल फाइनेंस की इतनी बात हो रही है क्योंकि कंट्रीज एज वेल एज पीपल ऑल ओवर दर्ल्ड हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन्वामेंटल डिस्टशनस इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन एज वेल एज़ जो भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग के चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेटिक चेंजेस इतने हो रहे हैं दैट पीपल आर कंसर्न कि अगर ऐसा ही चलता रहा दैन वी आर गोइंग टू डिग्रेड एवरी थिंग और हमारे लिए भी कम पड़ जाएगा जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं इफ़ वी आर गोइंग टू डिप्लीट एवरीथिंग देन व्हाट आर वी गोइंग टू पास ऑन टू दी फ्यूचर जनरेशन हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या पास करेंगे देफो द एंटायर स्टोरी ऑफ सस्टेनेबिलिटी कम्स इन पिक्चर एंड द गवर्नमेंट एज वेल एज पीपल कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सो दैट टेक इन लेवरेज द कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट को हमें टैप करना है सो so दैट हम वहाँ से हेल्प ले कर अपने इन्वायरमेंट को अपने सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें तो हियर वी आर ट्राइंग टू मेक यूज़ ऑफ़ दी कैपिटल मार्केट द स्टॉक मार्केट सो दैट आप वहाँ से पैसे टैप करके इन ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट कर सको आई होप आपको समझ आ गया ब्लू बॉन्ड्स के पीछे का इंटेंशन अब समझते हैं ब्लू इकॉनॉमी सो द इंटायर थिंग केम फ्रॉम द वर्ड ब्लू इकॉनॉमी ब्लू इकोनॉमी बेसिकली उसको बोला जाता है जो ब्लू हो राइट सो ब्लू एज यू ऑल नो हमारा जो अर्थ है अराउंड सेवेंटी परसेंट ऑफ इट इज़ कवर्ड विथ वाटर अब ये वाटर ब्लू में होता है ब्लू इन कलर सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लू इकॉनॉमी एंड ब्लू इकॉनॉमी को हमें टैप करना है हमें इसका मैक्सिमम एडवांटेज लेना है सो दैट वी कैन इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ एज वेल एज द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल अगर हम वर्ल्ड बैंक के कंटेक्स में बात करें दिन द वर्ल्ड बैंक डिफाइन्ज ब्लू इकोनॉमी एज दी सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशन रिसोर्सेज तो जितने भी हमारे ओशंस हैं सीज़ हैं उसको हमें सस्टेनेबली यूज़ करना है सो दैट वी कैन लेवरेज अपॉन दी ग्रोथ हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी रहे वी कैन रिजल्ट इन डिक्रीजिंग दी अनएम्प्लॉमेंट लेवल ताकि जॉब्स इंक्रीज हों सो दैट वी कैन डिक्रीज दी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल एज वेल एज जो हमारी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो हमारा लाइवलीहुड mm. है उसको हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें सो दिस इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ब्लू इकानमी ब्लू इकानमी में आपके नॉन्नी फिश, फिशरीज आ जाते हैं उसके अलावा वी हैव वी यूज द वॉटर द ओशंस ओशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी अपार्ट फ्राम दैट फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पजेस आपको पता होगा कार्गो से आज भी बहुत सारे गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं थ्रू दॉटरवेज वेस्ट मैनेजमेंट टूरिज्म बीचज के पास टूरिज्म एक बहुत ही बड़ा बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल uh, बेनिफिट वाला एरिया है फॉर द एंटायर कंट्री ना वाई आर वी ट्राइंग टू लेवरेज दिस बिकॉज अगर हम ओनली इंडिया की बात करें दैन इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ सेवेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स अगर ये इंडिया है तो हमारा जो कोस्ट लाइन है ये सेवेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स लंबा है अगर हम इनलैंड वाटरवेज की बात करें दैट इज़ नेविगेबल फॉर दर्पजस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो हमारा फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स लॉन्ग है सो वी नीड टू लेवरेज ऑन दिस सो दैट वी कैन वी कैन यूज इट एज अ ग्रोथ कैटलिस्ट इन ऑर्डर टू अचीव आर विजन ऑफ टेन ट्रिलियन इकोनॉमी रिसेंटली गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया था दैट वी वॉन्ट टू अचीव द द स्टेटस ऑफ अ टेन ट्रिलियन इकोनॉमी बाई द ईयर टू थाउजेंड थर्टी टू एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ वी आर ट्राइंग टू सस्टेनेबली टैप आर वाटर रिसोर्सेस ठीक है अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हमारा जो वॉटर से ग्रोथ है या वॉटर से जो हमारा इनकम जनरेशन है दैट इज अराउंड फोर पॉइंट वन परसेंट ऑफ आर जी डी पी वी नीड टू लेवरेज दिस सो दैट हमारा हमारा जो रिसोर्स हैं वो ज़्यादा वेस्ट ना हों इट इज सस्टेनेबल वी आर प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ द ओशन इकोसिस्टम एज वेल एज वी आर इम्प्रूविंग आर ग्रोथ एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आई होप ब्लू इकोनोमी आपको समझ आ गया नाउ लेट सी वट स्टेप हैज़ द गवर्नमेंट टेक इन तो गवर्न गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी इनिशियेटिव लिया था जिसके अंदर इट वॉन्टेड टू कनेक्ट ऑल द पोर्ट्स ऑल द कोस्टल एरियाज जितने भी ये कोस्टल एरियाज हैं कांदला से शुरू होके हल्दिया तक हल्दिया इन द ईस्ट कांदला इन द वेस्ट वेस्ट एंड कोची एक्सट्रीम कोची इन द साउथ सो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल ऑफ दीज सो दैट सो दैट आप इन पोर्ट्स को यूटिलाइज कर सको इन ऑर्डर टू डेवलप अ मेजर इन ऑर्डर टू डेवलप अ ब्लू इकोनॉमी बूम बूम पैदा करना है अपनी ब्लू इकोनॉमी में अब ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है दिस सागरमाला प्रोजेक्ट वर्क्स ऑन फोर पिलर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको इन पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना है अकॉर्डिंग टू दी न्यू टेक्नोलॉजी सो दैट यू आर एबल टू गेन मच मोर ऑफ इट

इसको इन्हेंस करने की बात की जा रही है सो दैट इजिली यू आर गेट, यू आर एबल टू कनेक्ट विद द अदर पोर्ट्स इन दिस सागरमाला प्रोजेक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट लिंकिंग दिस पोर्ट्स टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया सो दैट जब भी गुड्स ट्रांसपोर्ट करना हो इंडस्ट्रियल एरिया से इन कोस्टल एरिया पे वो काफ़ी ईजी हो जाए आपको समझ आ गया होगा ना लेट्स फाइनली टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ब्लू बोर्न सबसे पहले तो हमारा ब्लू बॉन्ड का कंसेप्ट है दैट इज ऑन सस्टेनेबिलिटी और इस सस्टेनेबिलिटी की ऑलरेडी बात कर चुकी गई है इन द दिन गोल ऑफ आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दैट टॉक्स अबाउट लाइफ बिलो वाटर क्या बोलता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर फोर्टीन इट सेज़ वी नीड टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन सीज एंड मराइन मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमें अपने रिसोर्सेज को वाटर रिसोर्सेज को बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करना है सो so दैट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो प्लस इट इज़ सस्टेनेबल फॉर द फ्यूचर जेनरेशन एज वेल आगे के जनरेशन के लिए भी वो बचा रहे अगर हम बात करें यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के बारे में तो उन्होंने कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड किए हैं फर्स्ट इट सेज कि जो हमारा वाटर वाटर बॉडीज़ हैं द लाइफ बिलो द वाटर इट इज़ नॉट ओनली हैबिटेड टू अ मिलियन ऑफ स्पीशीज़ आपको पता है हमारे जो ओशन से वर्ल्ड ओवर कितने सारी पीशीज स्पीशीज़ वहाँ रहते हैं उसके अलावा द एक्ट जितने भी वर्ल्ड की ऑक्सीजन है मोर देन हाफ कम्स फ्रॉम आर ओशन एरियाज और आपको पता है इट कवर्स अराउंड सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द एंटायर कवर ऑफ द अर्थ इसके अलावा इट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जर्वर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे बाय यही है हमारा वाटर रिसोर्सेज ही हैं दे देर दैट इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल द लेवल ऑफ पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड मेडिसिन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज अ डिटर्मिनेट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एम्प्लॉयमेंट कैसे फिशरीज के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा बीचेस के द्वारा टूरिज्म पर्पसेस के द्वारा All of these benefits we are deriving from this water bodies. Therefore, we should preserve it and we should try and manage and see that the waste, the waste that is being generated, is very judiciously uh, being managed and reduced or minimized. ठीक है? Now अगर इन्होंने एक और डेटा प्रोवाइड किया है कि अगर हम इंटरनेशनल शिपिंग ट्रांसपोर्ट्स की बात करें वर्ल्ड ओवर जितने भी ट्रेड होते हैं मोर देन एटी परसेंट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज़ डन थ्रू दी वाटरवेज वाटरवेज के द्वारा ही एट्टी परसेंट ट्रेड किया जाता है देयरफॉर वी नीड टू मेंटेन द ओशन हेल्थ बाय ट्राइंग टू रिड्यूस द पोल्यूशन बाय ट्राइंग टू रिड्यूस द एक्सप्लोटेशन ऑफ आर नेचुरल रिसोर्सेज हम बहुत सारे गंदे फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं डी डी टी वगैरह डाल देते हैं जिससे ए ये फिश भी बीमार होते हैं और हमारा वाटर भी पोल्यूट होता है यूट्रोफिकेशन अगर आप किसी जगह को साफ़ नहीं रख रहे वहाँ पे एल्ग प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ऑक्सीजन लेवल एकदम डिक्रीज़ कर जाती है इसके अलावा एसिडिफिकेशन ऑफ द वाटर विच इज़ हार्मफुल फॉर द लाइफ दैट इज़ बीग देयर इन वाटर एज वेल एज ओशन वार्मिंग ओशन वार्मिंग भी एक कंसेप्ट है रिलेटेड टू पोल्यूशन ऑनली तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है सो so दैट इट इज सस्टेनेबल अब इसी को मद्देनजर रखते हुए इन 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 एरियाज़ पर काम करने के लिए सो दैट वी कैन रिड्यूज़ पोल्यूशन वी कैन रिड्यूज दी एक्सप्लोटेशन एंड मेक यूज ऑफ दस्टेनेबिलिटी ऑफ दीज वॉटर फॉर आर प्रोडक्शन फॉर आर ट्रांसपोर्टेशन फॉर आर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन सबको यूज करने के लिए द कंसेप्ट ऑफ ब्लू बॉन्ड हैज़ बिन इनिशिएटेड Or the first country to have launched the world's first sovereign blue bond was none other than the Republic of Seychelles. Those are the Republic of Seychelles 15 million worth ka blue bond. 15 million dollars worth ka blue bond issue. Tha. Iske lawa, in the year 2019, World Bank ne bhi issue tha around 10 million million. So they have been trying to raise money. थ्रू दिस ब्लू बोन सो दैट इनको आप यूटिलाइज करके अपने वाटर रिसोर्सेज को और अच्छा कर सको और उससे बेनिफिट निकाल सको तो इफ़ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन एज गिवन बाई द वर्ल्ड बैंक द वर्ल्ड बैंक सेज इट इज़ अ बोंड ये एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है विच कैन भी इशूड ईदर बाई दी गवर्नमेंट और सम डेवलपमेंट बैंक और सम इवन प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स कोई भी जो इनको इशू कर रहे हैं कंपनीज कमर्शियल बैंक्स डेवलपमेंट बैंक्स even the government can issue such bonds in order to raise capital on investors say, jin, jo, who really believe in the concept of uh, blue economy. and so that by using these bonds, we are trying to create an impact that is positive on the environment, economic as well as climate front. तो हम अपने इन्वायरमेंट को और इकोनॉमिक एज वेल एज क्लाइमेट को बेनिफिट करने के लिए इस ब्लू बॉन्ड का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ठीक है अब ये जो ब्लू बॉन्ड है दिस ब्लू बॉन्ड इज अ सबसेट ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स। अब जितने भी कलर बॉन्ड्स हैं तो द पेरेंट इज द ग्रीन बॉन्ड्स ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर इट इनकम पासिस एंटायरली दी एवरीथिंग ब्लू बॉन्स आ जाएगा येलो बॉन्स आ जाएगा वॉट इज दिस ग्रीन बोन तो ये भी एक तरीके का डेट सिक्योरिटी हैेंज एडप्शन डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ पोल्यूशन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट लैंड यूज का सस्टेनेबल यूज रिन्यूएबल एनर्जी का यूज मे बी एट विंड एनर्जी सोलर एनर्जी बायो एनर्जी इन सब में आप अगर इन्वेस्ट करते हो दैट इज नोन एज ग्रीन बोन और उसी का एक पार्ट है दर इज सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इसके लिए लाया गया है ये ब्लू बॉन्ड्स आई होप आपको ग्रीन बॉन्ड समझ आ गया होगा एंड दिस इज द लिस्ट दैट हैज बिन प्रोवाइडेड बाय सेबी ऑन इट्स वेबसाइट अब करते हैं बात स्कोप ऑफ ब्लू बॉन्ड्स इन इंडिया अब ब्लू बॉन्ड्स स्कोप क्या है ब्लू बोन्स आर गोइंग टू बी आर गोइंग टू प्रूव वेरी इंस्ट्रूमेंटल फॉर इंडिया बिकॉज इट विल इट इज गोइंग टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ निकल कॉपर कोबाल्ट एंड मैंगनीज जैसे मिनरल्स मैं, ऐसे मिनरल्स ऐसे मेटल्स हमारे पास जो कि ऑलरेडी कम है एंड वी ट्राई टू इम्पोर्ट इट अगर हम अपने ओशन रिसोर्स की माइनिंग करते हैं अगर पीपल आर इन्वेस्टिंग इन ब्लू बॉन्स और वो अगर ओशन रिसोर्स माइनिंग में इन चीज़ों को यूज़ करते हैं देन वी हैव ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ पॉली मेटलिक नोड्यूल्स एज वेल एज मीथेन हाइड्रेट्स अब ये साइंटिफिक है इतना समझने की ज़रूरत नहीं है मोटा मोटा काफ़ी है हमारे पास इसकी डिपॉजिट्स है मिथेन की और पॉली मेटलिक की अगर हम इसको माइन करें अच्छे से तो ये जो इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं जैसे आपके कॉपर हो गया मैंगनीज़ हो गया कोबाल्ट हो गया तो आप इन सब की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो सेकेंड इज सस्टेनेबल फ़िशिंग हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है सपोज दिस इज़ इंडिया द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो हमारा है दैट इज़ अराउंड टू पॉइंट थ्री सेवन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स अब हम इस रिसोर्स को इतने ज़्यादा जो हमारा वाटर रिसोर्सेज है उसको यूज़ करके एक सस्टेनेबल तरीके का फिशिंग फिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल फिशिंग विदाउट मेकिंग यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ फिशिंग सच डिज़ बॉटम ट्रॉलर्स अब ये जो बॉटम ट्रॉलर्स होते हैं सपोज ये आपका वाटर लेवल है वाटर लेवल में आप यहाँ खड़े हो फिशरमैन अब ये फिशरमैन ने एक ऐसा यहाँ पे डाला राइट एक ऐसा नेट डाला दैट इज वेरी मेटलिक वेरी हैवी और वो ना ही उस आ, फिश को पकड़ रहा है जो आपको चाहिए वो बाकी चीज़ों को भी ख़राब कर देता है डिप्लीट कर देता है तो ऐसे रिसोर्सेज़ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ नहीं करना है हमें वी नीड टू यूज़ वी हैव टू फेज़ आउट एंड वी नीड टू यूज़ मोर सस्टेनेबल रिसोर्सेस प्लस हमें ऐसा नहीं करना कि हम बेचने पर्पस के लिए ताकि चीज़ें बिक जाएं, ओवर फिशिंग कर रहे हैं कि उनकी इतनी ग्रोथ नहीं उनका नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस को हम हैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं बाय पुटिंग सर्टन आर्टिफिशियल थिंग्स इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है उसके अलावा द नेशनल ऑफ शो विंड एनर्जी पॉलिसी तो दिस इज़ बेसिकली टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स द इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स हुआ आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस ब्लू बॉन्स तो हमारा ये टारगेट है कि बाई द एंड ऑफ टू थाउजेंड थर्टी वी नीड टू जनरेट अराउंड थर्टी गीगा वॉट्स ऑफ ऑफ शो वस्टॉलेशन मतलब थर्टी गीगा वाट्स के इंस्टॉलेशन करने हैं ऑफ शो विंड टर्बाइन के ठीक okay? है इसके अलावा कोरल डिग्रेडेशन जो हमारे वाटर्स में कोरल कोरल रीव्स होती हैं नेचुरल कोरल रीव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड कर गई हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन इतने सारा पोल्यूशन है हम वेस्ट फेंक देते हैं एसिडिफिकेशन के वजह से इसका कलर येलो होना शुरू हो गया है एंड वी कैन यूज़ मेक यूज़ ऑफ़ सर्टन टेक्नोलॉजी एज दी बायो रॉक सो दैट हम इनको रिजुविनेट कर सकें और हमारा जो कोस्ट लाइन है उसको और ज़्यादा बेटर कर सकें नाउ द नेक्स्ट स्कोप फॉर ब्लू बोन्स इन इंडिया क्वी फॉर मेराइन पोल्यूशन कन्वेंशन तो इंडिया ने रिसेंटली इस कन्वेंशन को साइन किया था मारपोल वेर वाई इट टॉक्स अबाउट प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन ऑफ़ द मेराइन इन्वायरमेंट जो कॉज किए जाते हैं बिकॉज ऑफ शिप्स जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उस केस में कुछ ऑपरेशनल एक्सीडेंटल लॉसेस हो जाते हैं कुछ गुड्स पानी में गिर गए कोई जहाज ही डूब गया तो डूबने की वजह से बहुत सारे वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं थिंग्स पीपल एंड एवरीथिंग तो ये जो ऑपरेशनल और एक्सीडेंटल लॉसेज होते हैं ऑयल स्पिलेज हो जाता है ऑयल स्पिलेज इज सच ए बिग इशू इन कंटेक्सट ऑफ पोल्यूशन इन द वाटर्स तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए ख़त्म करने के लिए इंडिया ने मेराइन पोल्यूशन कन्वेंशन साइन किया था अगर पीपल आर इन्वेस्टिंग इन ब्लू बोन्स दैन दिस मनी कुड बी यूज टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव उसके अलावा वी कैन मेक यूज ऑफ द जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स तो आपने सुना होगा कि ऐसे कुछ इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं जिसको आप अपने इन्वामेंट में यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ फूड प्रोडक्शन इम्प्रूव द लेवल ऑफ फूड प्रोडक्शन इन दराइन एरियाज एज वेल एज रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा वाटर एक ऐसा है जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है ठीक है तो अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा होगा आपका जो वाटर रिसोर्सेज हैं देन यू आर गोइंग टू कंट्रोल यू आर गोइंग टू मेनटेन दी क्लाइमेट लेवल एज वेल एज़ जो आपके प्लांट न्यूट्रिय हैं उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हो बाई मेकिंग यूज़ ऑफ दिस इंजीनियरिंग टेक्निक्स लास्टली इट इज़ द टूरिज़म सेक्टर इको टूरिज़म इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर और इसको बोला जाता है ब्लू फ्लैग बीच अगर कोई पूछे या एग्जाम में आ जाए कि ब्लू फ्लैग बीच क्या होता है देन यू शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ इको टूरिज्म मॉडल वे बाय इट ट्राइज टू प्रोवाइड द टूरिस्ट्स clean and hygienic bathing water facilities of a healthy environment and sustainable development of the area the blue flag beach ka ye hai ki aap tourist ko ek sustainable area provide kar rahe ho for making use of the entire luxuries that are being provided over the beach so this was the scope of blue bonds in india agar people impact investors invest in these funds then we are surely going to improve our waters एंड रिमूव एंड रिड्यूज़ द पोल्यूशन लेवल अब ब्लू बोन्स काफ़ी पॉपुलर भी हैं अलग बाहर के देशों में दिस इज बिकॉज ये एक ऐसा है दैट प्रोवाइड्स यू विथ लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये काफ़ी कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें आपका लगता है और रिटर्न आपको ऑब्वियसली इन द लॉन्ग टर्म्स लॉन्ग लॉन्गर रन में आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं होंगे बट इन द लॉन्ग रन रिटर्न्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड उसके अलावा दीज आर बैक्ड बाई दी गवर्नमेंट्स कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ब्लू बॉन्ड्स हैं इसमें एक तरीके का गारंटी होता है ऑलरेडी प्रोवाइडेड इधर बाई द गवर्नमेंट और बाई द कमर्शियल हुए इज रेजिंग सच बॉन्स तो वहाँ पर आपकी गारंटी रहती है कि अगर सपोज कोई प्रोजेक्ट हमारा नहीं चला देन यू आर गोइंग टू गेट बैक योर मनी